तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको नोवा के ट्रिमर के बारे में बताएंगे, क्या प्राइस है, क्वालिटी कैसी है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास ये NS216 है जो कि नोवा का ट्रिमर है। वहीं अगर मैं इसके हाईलाइट पॉइंट की बात करूं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता हूं, सारी तरफ से आपको इंटरफेस दिखा देता हूं मैं इसका, किस तरीके का इंटरफेस है। चलिए जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके का ये इसका इंटरफेस हमें दिखता है, जो कि ये इसका डिज़ाइन है। और डिज़ाइन तो यार काफ़ी प्यारा है और इसको मॉडल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्लिम है एकदम, पकड़ने में बढ़िया है। क्वालिटी तो मुझे इसकी बढ़िया लग रही है एकदम, जो कि बिल्ड क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं पहले आपको सामान वगैरह दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। आपको तीन इसके ब्लेड्स मिलते हैं, 1, 2, 3। अगर मैं इसकी MM की बात करूँ तो ये आपको 3 MM का मिल जाता है, और ये आपको 6 MM का मिल जाता है, और ये आपको 8 MM का, और ये आपको यहाँ पर ऑयल भी मिल जाता है डालने के लिए। बाकी ये आपको चार्जिंग केबल मिलती है जो कि आप डायरेक्ट इसमें लगा के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको ब्रश भी मिल जाता है, अगर आपके हेयर्स फंस जाते हैं ब्लेड के अंदर तो आप इससे निकाल सकते हैं। ये चीज़ें आपको इसके साथ मिलती हैं। वहीं अगर अब मैं ट्रिमर की बात करूँ तो यहाँ पर आप चारों तरफ से देख सकते हैं किस तरीके का, यहाँ पर नोवा की ब्रांडिंग हो रखी है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको इसकी बैटरी जो है वो रिचार्जेबल होती है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो आप इसको चेंज भी करके दूसरी बाज़ार से डाल सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन मिल रखा है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम यही आती थी इसकी बैटरी बार बार ख़राब हो जाती थी, बट अब क्या है कि आप इसको हटा के खुद से ही लगा सकते हो बैटरी को। और अभी मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ, साउंड वगैरह बता देता हूँ। जब भी आप यहाँ पर लगाएंगे नीचे इसका चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जब भी आप यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी लाइट इंडिकेट करती हुई दिखेगी। चलिए अभी मैं आपको इसको चालू करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको आवाज़ आ रही होगी, ये हमने चालू कर दिया है और वाइब्रेशन तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी मैंने इसको पर्सनली यूज़ भी कराया है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, चलता भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसके बैकअप की बात करूँ तो बैकअप आपको इसका 30 से 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। वही अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये आपको कम से कम 350 से लेकर 500 तक के बीच में ये आपको मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।